डिस्ट्रीब्यूटर्स क्यों नहीं खरीदना चाहते इस फिल्म के राइट्स को? क्या तय समय पर नहीं आ पाएगी RRR? क्या कोरोना फिल्म बनेगा जी का जंजाल? हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज के एक नई और फ्रेश वीडियो में, और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। अब भाई SS राजामौली एक ऐसे निर्देशक हैं जो अपने हर प्रोजेक्ट को परफेक्शन के साथ तराशते हैं और रिलीज के लिए पूरा समय लेते हैं। उनकी अगली फिल्म RRR 13 अक्टूबर को रिलीज के लिए घोषित की गई थी और मेकर्स ने रिलीज पर डबल अश्योरेंस का वादा किया है। हालांकि दोस्तों, फिर भी ऐसी अटकलें हैं कि लंबे चलने वाले पोस्ट प्रोडक्शन के कामों की वजह से शायद फिल्म तय समय पर रिलीज ना हो पाए। राजामौली फिल्म के हर फ्रेम को कई बार क्रॉस चेक करने के लिए जाने जाते हैं और उन्हें अपनी फिल्मों के पोस्ट प्रोडक्शन के काम के लिए कम से कम 3 महीने का समय लगता है। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं दोस्तों कि RRR की शूटिंग अगस्त में पूरी हो जाएगी, जिसके बाद फिल्म की रिलीज के लिए राजामौली के पास ज्यादा से ज्यादा 45 दिन का समय होगा। RRR जैसी फिल्म के लिए एक बहुत बड़ा प्रमोशनल प्लान मेकर्स के पास होना चाहिए और जिसके लिए देश भर में अलग अलग जगहों पर कई इवेंट्स को रखा जाना चाहिए। अब दोस्तों, चूंकि फिल्म के लीड स्टार जूनियर NTR और रामचरण बाकी की कई फिल्म इंडस्ट्री से वाकिफ नहीं है, इसलिए मेकर्स को उन्हें प्रमोट करने का ज्यादा ध्यान देना होगा। पहले तो रिलीज के 2 महीने पहले की प्रमोशनल प्लानिंग तय की जाती थी, लेकिन पेंडेमिक ने सब बदल दिया है, जिसकी वजह से ऐसा करना शायद नामुमकिन हो। वहीं महाराष्ट्र और केरल में केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ऊपर से तीसरी लहर आने की भी चर्चा है, जो अगस्त के अंत से अक्टूबर के बीच आ सकती है। और दोस्तों, अभी तो बॉलीवुड की गलियां भी पूरी तरीके से खुलनी बाकी हैं। तेलुगु स्टेट्स के डिस्ट्रीब्यूटर फिलहाल फिल्मों के राइट्स के लिए मोटी रकम देने को तैयार नहीं है, जब तक कि आंध्र प्रदेश में टिकट प्राइस का इश्यू सॉल्व नहीं हो जाता। अब दोस्तों, अब इन सभी रुकावट को देखा जाए तो राजामौली के सामने RRR को तय समय पर रिलीज करने के लिए तमाम मुश्किलें खड़ी हैं। हालांकि हम तो यही उम्मीद करते हैं कि वक्त से पहले भी ये सभी मुश्किलें सॉल्व हो जाए और फिल्म को आराम से बड़े पर्दे पर पूरे देश भर में सिनेमा घरों में रिलीज किया जा सके। गौरतलब है दोस्तों कि राजामौली की इस फिल्म में NTR और राम के अलावा आलिया भट्ट और अजय देवगन भी मुख्य भूमिकाओं में हैं, जिस फिल्म से साउथ सिनेमा में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। तो फिल्म की शूटिंग जल्दी पूरी कर ली जाएगी। आपका इस फिल्म के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है ऋचा गर्ग।